रुड़की में आज रुड़की से सटे गांव रसूलपुर में किसानों ने जमकर हंगामा किया और रुड़की बाईपास नेशनल हाईवे 73 पर कार्य शुरू करने गई नेशनल हाईवे की टीम को जबरन कार्य करने से रोक दिया। कई किसान जमीन पर ही लेट गए और कहने लगे कि अगर जेसीबी मशीन ने यहाँ पर कुछ भी कार्य किया तो उन्हें हमारे ऊपर से गुजर कर कार्य करना होगा। इसी के चलते किसानों में नाराजगी थी। करीब 2 महीने पहले भी किसानों ने यहाँ पर चल रहे कार्य को रोक दिया था और धरने पर बैठ गए थे, जिनको जिलाधिकारी दीपक रावत ने इंसाफ दिलाने का आश्वासन देकर धरना खत्म करा दिया था। मुकदमा चल रहा है और हमारी डीएम साहब की अदालत में तारीख लगी हुई है 24 तारीख, और हमसे जबरदस्ती कब्जा लिया जा रहा और शासन प्रशासन हमको दबाना चाह रही। हम कहीं से कहीं तक भी अपनी जमीन पे कब्जा नहीं देंगे। ये सब गैर कानूनी है, गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे साथ में बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ और हमको 12 लाख रुपए भिगा दिया गया और सलेमपुर को हमारी बराबर में 73.5 लाख रुपए भिगा दिया गया और हमसे जबरदस्ती हमारी जमीन का कब्जा ले रहे। हम अपनी जमीन पे कब्जा नहीं देंगे। इसके लिए हम जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो हम कुर्बानी देंगे। ये NH 73 का काम होना था, NH कर रही है, लेकिन सलेमपुर और रसूलपुर के जो जमीन अधिग्रहण की गई है उसमें जो रेट इन किसानों को मिला है जिनकी जमीन इसमें जा रही है उसमें बहुत डिफरेंस आ रहा था, लगभग तिगुने का। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये लोग विगत 2 महीने से जो है यहाँ पर पहले धरने पे भी रहे, फिर कलेक्टर महोदय आए थे यहाँ पे डीएम साहब, और उनके आने पर जो है वार्ता हुई और इन्होंने धरना तोड़ दिया था। उसके बावजूद भी फिर जो है ये NH का काम होने नहीं दे रहे हैं रसूलपुर के किसान लोग, और ये यहाँ पर जब भी NH का काम होता है तो ये लोग रोक देते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में जॉइंट मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश पर मैं यहाँ पर आया था इन लोगों से बातचीत करने। तो काम तो होना ही है, काम नहीं रुकेगा, तो हमने यही बताने की कोशिश लोगों को कर रहे हैं।